Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing set theory and this is lecture number 2. I hope you have already watched the first part before watching this part 2. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था कि सेट जो है वो कितने कैसे एलिमेंट्स के रिलेशंस होते हैं. आज हम बात करते हैं सेट के टाइप्स के, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, सेट टाइप ऑफ सेट्स, सेट्स के कितने टाइप होते हैं, ये है टाइप ऑफ अ सेट. एक होता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होगा, जैसे सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं तो सिंगलटन सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. द सेट इन विच देयर इज ओनली वन एलिमेंट, देयर इज ओनली वन एलिमेंट, only one element called singleton set, called singleton, singleton set. ठीक है, जैसे example के तौर पे एक कोई set हो, ऐसे लिखा हो उसमें एक ही element है, या P कोई set है जिसमें 6 है एक element, है ना, तो ये सब singleton set है. या example के तौर पे ऐसे लिखा हो कि Q is a set X such that X माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसके एक्स ऐसा है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ वन होगी. तो ऐसे सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट. दूसरा एक सेट होता है जिसको हम कह सकते हैं, ये कहते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, और वॉइड सेट, वॉइड सेट, और इसी को कहते हैं नल सेट, नल सेट. ये क्या होते, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट. वॉइड से एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली, यानी ऐसा सेट जो खाली हो. द सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट, द सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट. कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इन विच देयर इज नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, नो एलिमेंट कॉल्ड नल सेट, और void set और empty set, empty set. ठीक है, it is denoted by phi, phi, ये symbol का नाम है phi, phi, ऐसे इसको represent करते हैं. और एक set ही बना देते हैं, उसके अंदर कोई भी element नहीं लिखते, तो ये भी empty set हो गया. For example, अगर हम कहें कि एक set है x such that x is x square plus 2 is equal to 0, तो x ऐसा है कि x जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड x इज ए रियल नंबर, ये भी लिखा हो, एंड x इज ए रियल नंबर, तो ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई रियल नंबर हो ही नहीं सकता, x इज ए रियल नंबर, रियल नंबर. ठीक है, x इज ए रियल नंबर, रियल नंबर. ठीक है, x इज ए रियल नंबर, तो ऐसा कोई सेट हो नहीं सकता. ठीक है ना, ऐसा कोई सेट हो नहीं सकता. सो व्हाट विल हैपन, एक्स इज ए रियल नंबर, ये हमने लिख दिया. तो इस तरह का एम्प्टी सेट होता है. दूसरा होता है एक फाइनाइट सेट, और एक होता है इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ए सेट इन विच देयर इज ए सेट इन विच एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, एलिमेंट्स can be finite, can be finite, finite, right? तो ये हो गया finite set. For example, number of students in your class, P is a set, a student of class, a student of x such that x is a student of class, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, x such that x is a student of क्लास नाइन्थ इन ए स्कूल, इन ए कोई स्कूल नाम, समथिंग स्कूल, डीपीएस स्कूल, राइट, डीपीएस स्कूल, कोई सेक्टर का नाम भी दे दिया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नाइन्थ क्लास में कितने बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, या इलेवेंथ क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं. तो ये फाइनाइट है.
लेकिन कुछ ऐसे भी सेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स, जैसे इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं? द नंबर ऑफ ए सेट इन विच एलिमेंट्स इज नॉट आर नॉट फाइनाइट, इन विच एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, एलिमेंट्स आर नॉट फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, कितने नेचुरल नंबर है ये किसी को पता नहीं है, ये इनफाइनाइट है। दिस काउंट सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसे लिखा जाए पी एक्स सच दैट एक्स इज ए रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 5, ऐसा कुछ। 2 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। तो ये कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, डेफिनेट रूप में नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद एक शब्द है जिसको हम कहते हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट जैसे सब इंस्पेक्टर होता है इंस्पेक्टर के नीचे, वैसे ही सेट के नीचे सबसेट होता है। सो इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, आर एनी टू सेट्स सच दैट, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड एज, इट इज डिनोटेड एज, डिनोटेड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसमें ए को कहेंगे बी का सबसेट और बी को कहेंगे ए का सुपरसेट, ठीक है। सुपरसेट एंड सबसेट आर रिलेटिव वर्ड्स, यू नो सुपरसेट एंड सेट आर रिलेटिव वर्ड्स, इट कैन बी सुपरसेट और सेट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो ए अगर कोई सेट है और ये हम कहेंगे कि मान लेते हैं 1, 2, 3 है, और बी एक सेट है जिसमें लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ, तो देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। इस पे और आगे चर्चा होगी, फिलहाल हमने ये बता दिया। अगर ये सिंबल जो हमने दिया है, इस सिंबल को कहते हैं, ये इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि पी हो सकता है लिखा है ए ई आई, ठीक है, और क्यू लिखा है ई आई ए, बात एक ही है, ठीक है, दोनों सेम है। तो पी के हर एक एलिमेंट, हेयर पी इज सबसेट ऑफ क्यू एंड क्यू इज सबसेट ऑफ पी, एंड देयर फोर इट इज ओनली पॉसिबल कि पी के सारे एलिमेंट्स क्यू में है, क्यू के सारे एलिमेंट्स पी में है, तो ये बराबर भी हो सकता है। तो पी इज इक्वल टू क्यू, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेट पी इज इक्वल टू सेट क्यू। अगर हमने ये लिखा कि सिर्फ ये सिंबल है तो इसको प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। अगर सिर्फ ऐसा लिखा जाए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वल टू नहीं हो सकते। इसलिए जैसे पहले में ए, और यहाँ पे ए और बी लिखा है, तो ए का बी सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सुपरसेट, सुपरसेट व्हिच डजेंट बिलोंग टू, डजेंट बिलोंग टू सुपरसेट बी, नाम भी देता हूं, व्हिच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो हम कहेंगे ए इज
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन वी कैन से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिक्लेयर्ड है कि ए इज, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू टाइप नीचे साइन जो है वो नहीं देंगे, ये लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे. लेकिन यूजुअली हम ऐसा साइन देते हैं और इससे पता चलता है कि ये सबसेट है. कोई भी साइन कहीं भी इंटरचेंज कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लोग इसको बुरा नहीं मानते और हम भी इसको बुरा नहीं मानेंगे. कोई भी साइन, चाहे ये साइन दे दो चाहे ये साइन दे दो, बट मतलब ये है, दोनों का मतलब अलग अलग यही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना. तो ये है प्रॉपर सबसेट. तो सबसेट हो गए और प्रॉपर सबसेट भी हो गए. अब आइए कुछ नई बात इसमें सीखते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एनालिसिस करते हैं. ए एक सेट लिखा है जिसमें ये लिखा है फाइ, तो ये क्या हुआ, ये इम्प्लिसिट है? नहीं, इज ए सिंगलटन सेट. इज ए सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट हुआ, ठीक है ना. सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट है जिसमें एक एम्प्टी है. जैसे खाली घर है उसके अंदर एक खाली बक्सा है, ऐसा. तो ये होगा सिंगलटन सेट. एम्प्टी सेट जब भी लिखेंगे तो या तो ये वाली सिंबल लिखेंगे या ये वाली सिंबल लिखेंगे. ये एम्प्टी सेट के लिए लिखेंगे और ये इज एन एम्प्टी सेट. ध्यान रहे इस बात को, इसलिए मैंने इसको बताया कि ये दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे. तो इसका मतलब हुआ कि कहीं भी इक्वल सेट अगर प्रूफ करना है या इक्वल सेट दिखाना है तो हमें दिखाना होगा इक्वल सेट्स, ठीक है. टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन दिस इम्प्लाई वी कैन से ए इज इक्वल टू बी. अदरवाइज इक्वल सेट्स की डेफिनेशन यही होगा कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास हो और बी के सारे एलिमेंट ए के पास हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल सेट है. अब फाइनाइट इनफाइनाइट अब समझ गए. जैसे एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन जा सकती है, इनफाइनाइट. तो ये सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज इनफाइनाइट सेट. इसमें गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है ना. तो ऐसे सेट जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना. तो इस तरीके का. तो आइए नल सेट के बारे में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये किस तरह के सेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू. ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई टू क्या होंगे, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे होते हैं. अब ये टू से डिविजिबल कोई होगा, नहीं होगा, तो इसलिए देर इज इट इज ए नल सेट. बट नन ऑफ देम इज डिविजिबल बाई टू. नन ऑफ देम डिविजिबल बाई टू, ठीक है ना, डिविजिबल बाई टू, एंड देयर फोर ए फर्स्ट वन इज ए नल सेट. ये नल सेट है, ऐसा कोई इसमें एलिमेंट नहीं होगा. दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो ये इवन प्राइम नंबर होते हैं. दूसरे में ये क्या है, ये सिंगलटन सेट है. क्यों, इसमें इवन प्राइम नंबर जो होता है इस सेट में आएगा 2. 2 इज इवन प्राइम नंबर, इसलिए नल सेट इज नॉट नल सेट, नॉट ए नल सेट, ठीक है, ये नल सेट नहीं है. तीसरा जो है उसके बारे में देखते हैं, क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 ग्रेटर देन 7. ये भी एम्प्टी होगा, ये 5 होगा, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. There is no such natural number. There is no such natural number. No such natural number. And therefore, such natural number. ठीक है ना? And therefore, it is a null set. और fourth question जो है, इसको हम देखते हैं. ये लिखा है, why such that y is a point common to any two parallel lines. दो parallel line ऐसी होती है, इसमें कोई common point नहीं होगा, इसलिए ये भी एक null set होगा. नल सेट होगा, ठीक है ना. तो सिर्फ दूसरा को छोड़ करके बाकी के सारे नल सेट हैं. तो नल सेट आप समझ गए क्या होता है ना, एग्जांपल से भी समझ गए. आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है. इस एक्सरसाइज में ये लिखा है कि कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है. तो आपको अब देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड फाइनाइट. द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर,
सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर क्या होगा? फाइनाइट होगा. क्यों? क्योंकि हम इसमें नंबर ऑफ मंथ कितने एक साल में होते हैं? 12 होते हैं, ये फाइनाइट है. इसमें 1, 2, 3 ये डॉट 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 लिखा है, ये हम काउंट नहीं कर सकते. तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट. 1, 2, 3 से 100 तक है, ये हम काउंट कर सकते हैं. तो ये हो गया फाइनाइट सेट. ठीक है ना, 1 से 100 तक 100 ही तो है. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ये भी ग्रेटर देन 100 कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं? वी कांट काउंट. तो ये हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट. एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये काउंट किया जा सकता है. 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो इसका आंसर भी हमें पता है कि 25 होगा. तो ये 25 इसका आंसर हो गया. 25 गिनती की जा सकती है, इसलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट है. तो ये आसान सा तरीका है आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट समझने का. आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है और इसको देखते हैं. द सेट स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है. ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, अगर हम कहें ये एक्स एक्सिस है. अब इसके पैरेलल कितनी लाइनें खींची जा सकती है? तो इसके पैरेलल ये इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती है. इसके पैरेलल ये इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, ये एक्स एक्सिस है. इसके पैरेलल ये लाइन हो सकती है. ऐसे ही बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन हो सकती है. तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, इसलिए ये एक्स एक्सिस है. और इसके पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती है? तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है. तो इसलिए ये सेट का आंसर हो गया क्या? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट. ठीक है ना, ये हो गया. द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो 26 ही होते हैं. तो ये हो गया फाइनाइट, है ना. अच्छा, ये सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, ये मल्टीपल ऑफ 5 भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे. क्यों इनफाइनाइट? इसलिए होंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, जब तक 5-5 जुड़ते जाओ जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगा. तो ये इनफाइनाइट है. ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये भी इनफाइनाइट है. कोई काउंट नहीं कर सकता कि अर्थ पे कितने एनिमल्स रहते हैं. इसमें बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, वायरस भी है. इनकी संख्या कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता. तो इस तरह से ये इनफाइनाइट हो गए. द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? ओरिजिन से ये सर्कल पास कर सकता है, ये सर्कल पास कर सकता है, ये सर्कल भी पास कर सकता है ओरिजिन से, है ना. तो इस तरीके का बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं. तो देयर कैन बी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट होंगे. ये सर्कल कितने होंगे? ऐसे इनफाइनाइट होंगे. सो देयर कैन बी इनफाइनाइट. तो इस प्रश्न के आंसर हो गए, इसका भी आंसर हो गया क्या? इनफाइनाइट. सो इट विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, ये भी होगा इनफाइनाइट. तो इस तरह के ये आप आंसर लिख सकते हैं कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा. उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. तो अगला क्वेश्चन देख, अब ये देखिए, इन प्रश्न में बताना है कि कौन से इक्वल सेट्स है. इसमें एलिमेंट्स क्या है? ए बी सी डी. इसमें भी है ए बी सी डी, तो हम कह सकते हैं इजीली कि ए इज इक्वल टू बी है. ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए. 4, 8, 12, 16 एंड यहाँ 4, 8, 16, 18, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 16 है जो इसमें नहीं है और इसमें 18 है सो इसमें नहीं है. ये दोनों इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं. ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ नॉट सबसेट ऑफ बी, नाइदर बी इज सबसेट ऑफ ए. तो ये इक्वल नहीं है. यहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10. इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन x इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10. पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, ठीक है ना. पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, दोनों बात एक ही है. b को भी आप लिखेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू b हो गया क्योंकि b को भी लिखेंगे तो 10 और उससे छोटा इवन पॉजिटिव इंटीजर यही होते हैं 2, 4, 6, 8, 10. तो इसलिए a इज इक्वल टू b यहाँ भी कहा जा सकता है. ठीक है ना, होगा ही होगा, कहा क्या इसका है. x is such that x is a multiple of 10. ये multiple of 10 है और b में multiple of 10 नहीं है, यहाँ पे 15 multiple of 10 नहीं है. तो यहाँ पर a is not equal to b है. तो ये basic concept के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं. आपको इसे समझना है और समझने के बाद इसका आंसर लिखना है. तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी.
आइए एक दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में दिया है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे भी गौर फरमाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2, 3 और बी में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे मिलेगा या तो x इज इक्वल टू -2 या -3, जबकि यहाँ है 2 और 3 तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b, ये बराबर नहीं है, है ना। दूसरे पार्ट में ये पहला पार्ट है a इज नॉट इक्वल टू b, therefore a इज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और b में क्या होंगे -2 -3, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। दूसरा जो सवाल है उस पे गौर फरमाते हैं। ये लिखा है a such that x is a letter of the word follow और b is a y such that y is a letter of word wolf। follow में क्या क्या होंगे, FOLW ये होंगे चार एलिमेंट अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो, और b में wolf में क्या होगा WOLF, ये देखिए। तो f भी इसमें है, o भी है, l भी है, w भी है, दोनों बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ रहे होंगे। ओके एक क्वेश्चन और है उसको भी आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सिक्स क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए बी 1 2 3 4 लिखा है, ए 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, तो हम कह सकते हैं कि बी एंड डी आर इक्वल, बी एंड डी आर इक्वल। इज देयर एनी वेयर 1 2 3 4? नो। ए में लिखा है 2 4 8 12 और यहाँ पे 4 8 12 14, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे -1 1 लिखा है और जी में भी -1 1 लिखा है, तो ई एंड जी आर इक्वल, और बाकी 0 1 कहीं नहीं लिखा, 0 1 कहीं नहीं लिखा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। सो दीज टू आर, दोस टू आर इक्वल, इक्वल सेट्स, बाकी इक्वल सेट्स, नन ऑफ देम आर इक्वल, और बाकी कोई भी इसमें इक्वल नहीं है। तो यही आ गया कि बी इज इक्वल टू डी एंड ई इज इक्वल टू जी आर इक्वल सेट्स, यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना, होगी नहीं दिक्कत, ठीक है। ओके इतना ही, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि शुरुआत है इसलिए बहुत लंबी वीडियो आपको, बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहे हैं, ये छोटी छोटी क्लासेज है, छोटी छोटी बातें समझें, और जब आप समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आगे लंबी क्लासेज भी होंगी। फिलहाल आज इतना समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है, आप खुद को मोटिवेट करते रहिए, समझते रहिए, इंथुजियाज्म बनाए रखें, इसको एक बार खुद से करें, रिवाइज कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे हम आपको इसी तरह से क्लास में वीडियो देते रहेंगे, क्लास होती रहेगी और आप चीज़ों को समझते रहेंगे। बेहतर कंसेप्ट के लिए कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, और कहीं पर भी कोई चीज़ होगी जो आपको नहीं समझ में आई तो मैं वादा करता हूँ मैं इसे दोबारा उसे एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास बहुत मेथड है, हम बहुत एलिमेंट्री लेवल से अभी आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और इंजीनियरिंग JEE के लिए अलग से इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।